तो फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानने वाले हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटे छोटे ये ट्रांसफार्मर, आज हम इन्हीं के ऊपर पूरी जानकारी जानने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों इसके ऊपर हम ये जानने वाले हैं कि हम इसके ट्रांसफार्मर के कैसे करके टंस को निकालते हैं दोस्तों, इसकी हम डिजाइनिंग को किस तरह से करते हैं, या फिर किस तरह से करना चाहिए, या फिर इसका सही तरीका क्या है, या फिर दोस्तों इसको हम किस तरह से बना सकते हैं, सारी चीज़ों दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम क्लियर एंड कवर करेंगे। बस वीडियो को आपको कम्प्लीट ही वॉच करने का, तो फिर दोस्तों फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फिर मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ, और मैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें ये कितने वायर्स हैं और ये वायर्स किस काम के हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आपको रेड कलर की ये जो दो वायर नज़र आ रहे हैं, ये हैं हमारे दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग, मतलब कि यहाँ पर हम 220 वोल्ट की अपनी सप्लाई, और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ये तीन वायर, तो दोस्तों ये है हमारा 1212 का ट्रांसफार्मर। तो इसका मतलब हुआ है कि ये जो हम यहाँ से अपना आउटपुट लेंगे, मतलब कि ये जो है दोस्तों ये आउटपुट वायर हैं। ये आउटपुट वायर कैसे हैं दोस्तों, जैसे कि 12 और 0 मतलब कि 12 0 12, मतलब कि आप 0 से इससे 24 वोल्ट भी यूज कर सकते हैं, अगर वही बात करें 0 से 12 भी वोल्ट यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर इन तीन वायर का और इन दो वायर का यहां पर क्लियर हो गया है कि ये पांच वायर आखिर किस तरह से थे और क्यों थे यहां पर। तो दोस्तों यहां पर इसका तो क्लियर हो गया। चलिए अब हम जानते हैं दोस्तों कि इसके अगर हम बाइंडिंग करें या फिर इसके हम टंस निकालें तो किस तरह से निकालना चाहिए, या फिर इसका सही तरीका क्या है, किस तरीके से हम टंस निकालेंगे तो यही टंस होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें हम क्या कर रहे हैं अभी कि एक हम अभी ट्रांसफार्मर को यहाँ पर बना लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर को पहले यहाँ पर हम बना लेते हैं, फिर इसी के हिसाब से हम सारी कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे दोस्तों कि इसमें कौन सा कोर होने वाला है, कौन सा इसमें वॉबिन साइज होने वाला है, और बात करें दोस्तों भाई हम अपनी वायर गेज की और टंस की, तो सारा चीज़ अब यहाँ पर क्लियर होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और ये है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग, और यह है दोस्तों हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग का 12 वोल्ट वाली लूप, और यह है दोस्तों हमारी 0 वाली लूप, मतलब कि ये कॉमन होता है, ये कैसे होता है ये अभी यहाँ पर हम क्लियर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यह है 12 वोल्ट की लूप, तो हमारा ये 12 0 12 हो गया है। अब चलिए जानते हैं इसका प्राइमरी, तो ये मतलब कि दोस्तों यह है हमारा 0 वाला लूप प्राइमरी वाइंडिंग का, और यह है 220 वोल्ट की सप्लाई दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग की। तो यहाँ पर दोस्तों ये 12 0 12 कैसा है वो यहाँ पर हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो 0 वाला लूप है, यहाँ से और यहाँ तक अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो हमको 12 वोल्ट नज़र आएंगे, और वही अगर बात करें हम यहाँ से और यहाँ तक अगर चेक करेंगे वोल्ट तो हमको 12 वोल्ट नज़र आएंगे। अगर हम वही बात करें दोस्तों कि हम यहाँ से मतलब कि यहाँ से और यहाँ तक चेक करेंगे तो भाई हमको 24 वोल्ट मिलेंगे, तो मतलब कि सीधा सीधा आप यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर हम इसको 0 वाला लूप अगर मानेंगे और यहाँ तक चेक करेंगे तो 12 वोल्ट नज़र आएंगे, और वही अगर बात करें सबसे नीचे वाली लूप की तो हम वहाँ से और वहाँ तक चेक करेंगे तो 24 वोल्ट नज़र आएंगे। तो यहाँ पर ये होता है फंडा, तो मतलब कि ये जो हमारा जो होता है 0 वाला बीच वाला ये कॉमन बना लेते हैं, इसी तरीके से हमारा 12 0 12 ये काम करता है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों इसका तो क्लियर हो गया है। अब चलिए अब हम जान लेते हैं दोस्तों इसके टर्न्स कि अब इसमें टर्न्स हमारे कैसे करके निकलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, जैसे कि ये जो आपको प्राइमरी वाइंडिंग, और यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग, जैसे कि ये वाला वायर तो ये हो गया दोस्तों, और ये वाला वायर तो ये हो गया हमारा 0 वाला लूप, ठीक है, और ये वाला वायर हमारा तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी क्लियर हो गया है कि इस तरीके से ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए इसके हम टंस को निकालना सीखते हैं कि टंस को कैसे करके निकालते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका साइज हमें मेजरमेंट करना है, तो साइज को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जब हम इसको ओपन करेंगे तभी हम अच्छे से इसका साइज भी ले पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों हम इस पत्ती को पहले बाहर निकाल लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, अच्छे से ही काम को करना है। तो यहाँ पर जो है मैंने इस पत्ती को निकाल लिया है, इस पत्ती को निकालने के बाद यहाँ पर आपको क्या देखना है कि इसका आपको साइज मेजरमेंट करना है। अब साइज को कैसे करके मेजरमेंट करना है वो यहाँ पर आपको क्लियर से समझना है, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से और यहाँ तक, मतलब कि यहाँ से और यहाँ तक आपको साइज को मेजरमेंट करना है। अब यहाँ से यहाँ तक को साइज जो आप मेजरमेंट करेंगे वो आप पहले क्या करेंगे कि आपको एमएम में ही करना है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप इंच में करेंगे तो हो सकता है
के 2-4 पॉइंट यहाँ पर माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एमएम में ही इसकी मेजरमेंट करेंगे, फिर एमएम से मेजरमेंट करने के बाद फिर इसको हम इंच में कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको अभी एमएम में मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो 20 mm आ रहा है, मतलब कि 20 mm आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम वही बात करें दोस्तों, हमको साइज यहाँ से लेना है, यहाँ पर पहले फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ से आपको लेना है, यहाँ से और यहाँ तक का साइज, मतलब यहाँ से यहाँ तक का साइज आपको क्लियर तरीके से लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने साइज ले लिया है, तो मेरा है ये टोटल 20 mm का। अगर इसी भाई अगर हम 20 mm को अगर हम उसमें कन्वर्ट करें अपने इंच में, तो यहाँ पर आ रहा है दोस्तों 0.78, मतलब कि यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं एक साइज को और फिर हम दूसरा साइज अभी लेंगे। तो यहाँ पर जो इंच में साइज आया है, हमने एमएम को इंच में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पर जो टोटल आया है वो आया 0.78 इंच, मतलब कि 0.78 इंच यहाँ पर हमारा साइज आया है। अब बात कर लेते हैं दूसरे साइज की, तो हमको दूसरा साइज जो लेना है वो यहाँ से और यहाँ तक का साइज लेना है। तो यहाँ पर भी आपको वैसे ही करना है, मतलब कि यहाँ से और यहाँ तक का जो साइज लेंगे वो आप एमएम में ही यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद आप इंच में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका एमएम में साइज लिया है, फिर मैंने इसको इंच में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पर जो हमारा आया है वो आया 0.66। अगर हम वही बात करें दोस्तों, ये कितने मिली एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, तो दोस्तों ये जो मेरे पास है ये है 500 mA का दोस्तों। तो यहाँ पर अभी हम 500 mA की डिजाइनिंग को क्लियर कर रहे हैं। बाकी अगर बात करें दोस्तों, तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपके पास यही वाला ट्रांसफार्मर हो, आपके पास कोई सा भी ट्रांसफार्मर हो, आप उसके जो टर्न्स निकालेंगे वो इसी प्रकार से ही निकालेंगे दोस्तों। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको सारे की कैलकुलेशन करनी है दोस्तों। चलिए अब हम जानते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो हम क्या करेंगे, 0.78 पहले यहाँ पर लिखेंगे और इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या करेंगे हम 0.66 में करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं टोटल हमारा कितना आया। तो यहाँ पर जो टोटल आया है वो आया है 0.5148, मतलब कि ये जो है इसका टोटल आया है। तो हमने जैसे कि आपको यहाँ पर मेजरमेंट करने के लिए बोला था, यही साइज आपको मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पर हमारा टोटल कितना आया है, वो आया 0.5148, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब वो यहाँ पर अच्छे से समझिए। तो हमको एक ही फार्मूला है, वो क्या है फार्मूला, वो है 7.5 का दोस्तों, मतलब कि 7.5 का फार्मूला है और यही फार्मूला होता है दोस्तों। अब इस फार्मूले के हिसाब से हमें क्या करना है, हम इसको भाग कर देंगे। जो हमारा टोटल आया है 0.5148, हम इसको भाग करेंगे इसमें, फिर इसके हिसाब से फिर हमको टर्न्स निकालने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, 7.5 भाग 0.5148, तो यहाँ पर जो है हम इतना लिखने के बाद और यहाँ पर जो टोटल आया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल आया है 14.56, मतलब कि 14.56 जो आया है यही हमारा TPB है। TPB की बात करें, टन पर बोल्ट, तो इसी के हिसाब से अब हमारे सारे के सारे टन्स निकलेंगे। अब यहाँ पर टन्स को कैसे करके निकालते हैं वो यहाँ पर समझिए अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे 14.56, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग के 220 वोल्टेज जो हैं इसी में ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो टर्न्स आए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टर्न्स आए हैं वो आए हैं 3203 टन, मतलब कि 3203 टन आए हैं। तो यहाँ पर जो है आप 3205 टन डाल दीजिए दोस्तों, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा ही डाल दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3205 टन प्राइमरी वाइंडिंग के हमारे निकल आए हैं। अगर हम वही बात करें दोस्तों सेकेंडरी के, तो सेकेंडरी में हमें कुछ चेंज करना है। अब यहाँ पर हमें क्या चेंज करना है वो यहाँ पर अच्छे से समझना है। तो हम क्या करेंगे, वही TPB अपना ले लेंगे, कौन सा वाला, 14.56 वाला। तो हम क्या करेंगे, 14.56 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 12 वोल्ट में, क्योंकि 12 वोल्ट के पहले हम टर्न्स निकालेंगे। तो यहाँ पर जो हमने 12 वोल्ट के लिए जो टर्न्स निकाले हैं और जो यहाँ पर रिजल्ट आया है वो यहाँ पर आया है
174 टन, मतलब कि 174 टन यहाँ पर आए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या समझना है, यहाँ पर अच्छे से उस चीज़ को समझना है आपको। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि हमारी 100 टन हुए हैं, 100 टन पे हम 10 टन एक्स्ट्रा कर लेंगे, तो मतलब कि 100 टन पे हमको 10 टन एक्स्ट्रा करना है। तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 174 टन, और 174 में हम कितने टन एक्स्ट्रा कर लेंगे, अगर हम वही बात करें 70 में तो 7 टन हमारे एक्स्ट्रा हो रहे हैं और 100 में हमारे 10 टन एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो यानी कि 17 टन हमारे टोटल एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो यहाँ पर वही 17 टन एक्स्ट्रा करके हम डालेंगे, तो कुल मिला के यहाँ पर सीधा सीधा आप 190 टन डाल दीजिए, मतलब कि जीरो से हम स्टार्ट करेंगे वाइंडिंग करना, और 12 वोल्ट तक जो हम टन्स डालेंगे वो हम डालेंगे 190 टन। अब वही बात करें दोस्तों, फिर हम वाइंडिंग करना स्टार्ट करेंगे, फिर हम डालेंगे 190 टन। तो यहाँ पर हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी का टन्स क्लियर हो गया है। चलिए अब तो अब बात करते हैं दोस्तों इसकी कोर एंड बॉबिन की। तो दोस्तों जो आपका इसमें कोर निकले और जो इसमें बॉबिन निकले, यही बॉबिन और यही कोर डाल दीजिए। और बात करें दोस्तों वायर गेज की, कि इसके अंदर जो भी वायर गेज निकले दोस्तों, वही वायर गेज आप खरीद कर इसमें डाल दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जानकारी और कैलकुलेशन डिज़ाइनिंग पूरी क्लियर हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका भी एक एक चीज़ क्लियर हो गया होगा, और अब आराम से कर सकते हैं कैलकुलेशन ट्रांसफार्मर की दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों।